हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस पर हमले के आरोपी हिस्ट्री शीटर को पकड़ा, मुंबई में रहता था, नाम बदलकर 2.5 दर्जन मामले हैं दर्ज। जोधपुर जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान में लूट व डकैती करने तथा पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक हिस्ट्री शीटर सहित 2 लुटेरों को पुलिस ने बापरदा गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राहुल बारट व डिप्टी राजू राम चौधरी ने बताया कि गत 7 जून को केतुकला गांव में दिन दहाड़े मोहनलाल सोनी की दुकान पर हमला कर सोने चांदी के जेवरात लूट की वारदात हुई थी। इस दौरान लुटेरों ने पुलिस दल पर भी हमला किया था। इस मामले में फरार खेत नगर केतुकला निवासी भजनलाल उर्फ भाटी विशोई को उसके रिश्तेदारी में जैसला थाना भोजासर से व सोड़ो के ठाणी रामसर जिला बाड़मेर निवासी डालूराम उर्फ दल्लूराम उर्फ दिनेश जांगिर को बोरानाड़ा जोधपुर शहर से गिरफ्तार किया गया है। डालूराम आदंत अपराधी वाहन चोर तथा मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहा है तथा पुलिस थाना रामसर जिला जैसलमेर का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ करीब 2.5 दर्जन विभिन्न तरह के मामले चल रहे हैं। डालूराम मुंबई में दिनेश के नाम से रहता था। आरोपियों को गिरफ्तार कर पर्दाफाश करने में शेरगढ़ के थाना अधिकारी कैलाश दान, उप निरीक्षक बाबूलाल सिर्वी, हेड कांस्टेबल बाबू सिंह, कांस्टेबल महीपाल, पवन कुमार, कैलाश ग्वाला, उगमाराम व हेमराज सहित शेरगढ़ थाना पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमा की रिपोर्ट।